करना चाह रहा है और उसकी योग्यता के अनुसार उसे काम नहीं मिल रहा है तो वो बेरोजगार है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा टर्म है जिसमें पर्सन जो है वो अपने लिए जॉब सर्च कर रहा है और वो जॉब सर्च करने के लिए अनेबल नहीं हो अपने लेवल का, या इवन वो कोई भी जॉब नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में वो अनएम्प्लॉयड होता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी इकोनॉमी को बीमार कर सकती है। तो अगर किसी इकोनॉमी को उसकी हेल्थ को देखना है तो उसकी एम्प्लॉयमेंट रेशियो को देखना होता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेशियो कैसा है। हमारे यहाँ पे या पूरे वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट जो देखा जाता है उसके लिए रेट डिसाइड की जाती है, उसके लिए एक फार्मूला लगाया जाता है। वो फार्मूला है अनएम्प्लॉयड वर्कर अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। ये फार्मूले के बेसिस पे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट डेटास को फाइंड आउट करने के लिए दो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है। पहला है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है MoSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। NSSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में काम करती है और ये सारे डेटाज, या ऑफ कोर्स इस नाम से ही पता है सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हैं नेशनल लेवल पे सैंपल्स कलेक्ट करती है उसका और उसको सारा का सारा एनालिसिस करके डिपार्टमेंट को पहुंचा देती है, स्टेटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट को। ये चीज़ आगे दे रखी है NSSO के बारे में दे रखा है, MoSPI के बारे में दे रखा है। देन इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, उसके तीन बेसिक चीज़ें हैं। पहला है डेली स्टेटस अप्रोच, दूसरा है वीकली स्टेटस अप्रोच, और तीसरा है यूजुअल स्टेटस अप्रोच। डेली स्टेटस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है, यदि कोई पर्सन एक दिन में एक घंटे का काम भी अगर उसको नहीं मिलता वो बेरोजगार कहलाएगा, अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। यानी इस अप्रोच के अकॉर्डिंग है, अगर किसी पर्सन को 1 आवर का टाइम का उसको जॉब मिल गया तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, और अगर उसे 1 आवर का जॉब नहीं मिला एक दिन में तो वो अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार है। वीकली के अंदर ये थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दिया, 1 आवर अ वीक और 1 डे अ वीक, यानी कि या तो आपको एक घंटा नहीं मिला हो एक दिन का, या एक दिन का काम नहीं मिला हो वर्क के अंदर या एक वीक के अंदर किसी दिन में, तो ऐसे में वो अनएम्प्लॉयड होगा। वीकली एनालिसिस किया जाता है कि अगर किसी पर्सन को एक दिन का काम भी नहीं मिला तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आएगा। अनयूजुअल स्टेटस अप्रोच जो है वो ये कहते हैं कि मेजर डेज जो हैं 365 डेज यानी ईयरली में, उसमें मेजर डेज में वो अनएम्प्लॉयड रहता है। और भारत में तो आपको पता है मनरेगा जैसी स्कीम ने 100 डेज का आपको एम्प्लॉयमेंट दे दिया तो वो आप एम्प्लॉयड हो गए। बट इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि अगर कोई पर्सन कोई भी गेनफुल वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है मेजर टाइम के दौरान, तो ऐसे में वो अनएम्प्लॉयड है। 365 डेज में से वो मेजर टाइम अनएम्प्लॉयड रहता है, यानी उसको काम नहीं मिल रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट की स्टेटस पे आएगा। देन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग जानते हो, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे के सारे टाइप हैं। पहला जो टाइप है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जिससे पूरी तरीके से ग्रसित है, जहाँ पे एक एग्रीकल्चर लैंड के अंदर बहुत सारे लोग यानी पूरा फैमिली काम कर रही है, अगर उसमें से दो लोगों को हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन उतना होना है, तो इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयड होते हुए भी वो अनएम्प्लॉयड है। देन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जब एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी में चेंज होती है, यानी स्ट्रक्चर चेंज होता है इकोनॉमी का, उस दौरान अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। डेवलपिंग कंट्री डेवलप में चेंज होती है तो उस दौरान काफ़ी टेक्नोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, और स्किल्ड जब नहीं होते तो वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता ही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा सीजन है तो हमने जॉब कर लिया, बाकी हम बैठे हैं। अभी सरकार ने इस पर काफ़ी काम किए हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। देन वैल्यूरेबल
अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर क्या होगा कि उसको जितना पेमेंट मिलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा उसको पेमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी जब नहीं आती है और आप उससे अपडेटेड नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में आपको बाहर कर दिया जाता है, या टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। जैसे अभी आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा छटनियाँ हो रही है, रिक्रूटमेंट हटाए जा रहे हैं, सब लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, तो वो भी एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मतलब है डिफरेंट टेक्नोलॉजी या इनोवेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आया। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसी के टाइप में। क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों क्रिएट होता है? सबसे पहला पॉइंट ये है स्लो इकोनॉमिकल ग्रोथ। कुछ ऐसे ग्रोथ हमारी जितना हमने टारगेट रखा हम उतना अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है, उस वजह से हो सकता है। कास्ट सिस्टम बहुत बड़ा बीमारी है और इंडिया में तो बहुत बड़ी बीमारी है कास्ट सिस्टम। लोग अपनी कास्ट के लोगों को जॉब देना प्रीफर करते हैं, और पर्टिकुलर किसी एक कास्ट में, ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, कुछ लोगों को तो जॉब देना, इवन वो हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते कि वो हमारे घर के अंदर एंटर नहीं होने चाहिए। ये तो कास्ट सिस्टम के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, और कास्ट सिस्टम ने कुछ सेक्टर को यानी कुछ कास्ट को बहुत आगे तक भी लेके गए, तो इस तरह के से भी इम्बैलेंस हुआ। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, भारत में पॉपुलेशन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जरूर जनरेट होता है, उसके डबल रेट में या उससे ज़्यादा रेट में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, तो वो भी एक रीज़न है। एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे सीजनल ऑक्यूपेशन है, हम पूरी तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बारिश के ऊपर डिपेंडेड है। ऐसी कंडीशन में सीजन में तो अच्छी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लगे हैं वो कमा लेंगे, ऑफ सीजन में उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम, हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है कि हम लोग एक पर्सन यानी हमारा जो करता है मुखिया है वो कमा के ला के दे, बाकी सब उसके ऊपर डिपेंडेड है, तो इस कारण से भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो फेल हो गई। इंडिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। और ये क्यों फेल हो गई, इंडिया पूरा का पूरा हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर चला गया, और अब तो ये हो गया कि हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर चले गए। तो अब टेक्नोलॉजी, जब एक काम जो 10 लोग कर रहे थे वो एक मशीन एक बटन में ही कर रही है, तो क्यों उस मशीन को लाओ और आदमियों को फ्री कर दो, तो उस कारण से भी स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज पे लग गया ताला, और उसने अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, वो बहुत स्लो हुआ। इवन इंडस्ट्रियलाइजेशन से जितने हैवी हमारे को स्कोप था कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सेविंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आप अपनी जितनी भी इनकम जनरेट करते हैं उसमें से आप कुछ खर्चा अपने डेली रूटीन का एक्सपेंसेस में निकालते हैं, जो बचता है वो सेविंग है, और उस सेविंग को आप 100% इन्वेस्ट नहीं करते, उसमें से कुछ पैसा आप कैश कैजुअलिटी के लिए रखते हैं और बाकी आप लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात नहीं की जाती, लोगों को सेविंग के समझाया नहीं जाता कि आप अपनी सेविंग को कहाँ पर इन्वेस्ट करें ताकि आपको आप अपने लिए खुद के लिए बिजनेस सेटअप कर सको या अपने लिए एम्प्लॉयमेंट की सोर्सेज क्रिएट कर सको। तो ये कम होने के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है अपना बिजनेस करने का। देन उसके बाद में आता है डिफेक्टिव प्लानिंग। हमने प्लानिंग तो बहुत की, पॉवर्टी को हमने बहुत जल्दी अपने रेशियो में ले लिया। देखा जाए तो पहला प्लान ही एग्रीकल्चर सेक्टर था और ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया 5th प्लान के अंदर इसको, बट हुआ ये कि हमारी प्लानिंग सिस्टम में हमने जितने प्लान्स किए हैं पॉवर्टी को हटाने का उतना 100% हम अचीव नहीं कर पाए, और इस वजह से उसकी डिफेक्टिवनेस के कारण इंडिया में पॉवर्टी रेशियो लगातार बढ़ता रहा। अभी कुछ टाइम के लिए वो कम जरूर हुआ है, जिसको मैंने कल डिस्कस किया था। इमोबिलिटी ऑफ लेबर, हमारे यहाँ की लेबर भी छोड़ के नहीं जाना चाहती, एक मूव नहीं करना चाहते। इमोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना चाहते, वो ये कहते हैं कि हम गांव में रहकर काम कर लेंगे, हमें 100 रुपये मिल जाएगा बहुत है, हमें नहीं जाना शहर में जाना, 500 रुपये हमें नहीं चाहिए। तो ये रीज़न भी है कि पर्टिकुलर सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा, और जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वहाँ पर लोगों को लोग ही नहीं आ रहे जॉब करने के लिए, तो ये एक रीज़न है। इनएडिक्वेट इरीगेशन फैसिलिटीज़ है, हमारे यहाँ पे जो कृषि से संबंधित फैसिलिटीज़ है वो भी पूरी तरीके से नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इस वजह से भी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा जितनी सोचा गया था। एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ के बढ़ने के कारण
काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए। रीज़न ये है कि यूनिवर्सिटी ने पढ़े लिखे लोगों को तैयार कर दिया और अब उन लोगों को चाहिए वाइट कॉलर जॉब। अब वो एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर बिजनेस करने में, जो छोटा मोटा बिजनेस है, वो कहेंगे हम ये थोड़ी ना करेंगे, हमारे लेवल का नहीं है, तो हमें अब वाइट कॉलर जॉब चाहिए। और उस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा। सिंपल ग्रेजुएट की आपने डेफिनेशन ऐसी बताई थी क्या सर? लेवल के अनुरूप अगर उनको नहीं मिले सर, लेवल के आप सर, अगर आप कोई बंदा पीएचडी होल्डर और उसको कह दिया जाए कि आप कोई दूसरा काम करो, हाँ एबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब मिलना भी तो एम्प्लॉयमेंट है। हाँ ये मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपने जो डेफिनेशन दी हाँ सही है, पर वाइट कॉलर जो हम उनको कैसे कह सकते हैं? वो उन्होंने पढ़ ली है, लिख ली है, तो अब वो अगर कहते हैं कि हमें ऐसा जॉब तो क्या गलत? तो वो गलत नहीं कह रहे, पर उसके लिए गवर्नमेंट को प्लान्स भी तो करने चाहिए थे ना, तो गवर्नमेंट के प्लान तो वहाँ फेल हो गए। आपको गवर्नमेंट को, आपको यूनिवर्सिटीज लेवल पे और इवन स्कूल लेवल पे स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, जो गवर्नमेंट अब कर रही है। गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट ने ग्रेजुएट क्रिएट किए और हर साल ग्रेजुएट क्रिएट होते हैं हर साल। आपको भी पता है इतने लाखों ग्रेजुएट, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या जितने ग्रेजुएट होते हैं उनमें क्वालिटी होती है? क्वालिटी तो है ही नहीं, आप क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो। क्वालिटी को इम्प्रूव करो, आप यूनिवर्सिटीज़ में पास आउट करो, बट वो जो उन लोगों को पास करो जो रियल में क्वालिटी रख रहे हो। आप तो नंबर बढ़ा रहे हो, आप अपनी देख रहे हो कि लिटरेसी रेशियो बढ़ी हुई रहे, हमारे यहाँ पे इतने एजुकेटेड लोग हैं, क्वालिटी तो है ही नहीं। क्वालिटी पर काम करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के कारण एक्सपांशन जरूर हुआ, लोग अब अपने लेवल से नीचे काम ही नहीं करना चाहते। कह रहे कि योग्यता जो स्किल्स है उससे नीचे, अब या तो स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी दे दो, उसमें गवर्नमेंट हो गई फेल, नहीं तो फिर उनको स्कूल लेवल पे ऐसे स्किल्स डेवलप कर देते कि अगर उनको वो नहीं मिलता तो वो अपना वो स्किल्स के अकॉर्डिंग काम कर लेते। हर काम अपनी जगह पे बहुत अच्छा ही होता है, बट अगर आपने वाइट कॉलर जॉब, इसमें यही है कि वाइट कॉलर जॉब बहुत क्रिएट किया, अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न ये भी है यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब वो लोग इवन सर ऐसे काफ़ी लोग हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी वापस नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं कि नहीं हम खेती थोड़ी करेंगे, हम तो पढ़ लिए। उनके घर वाले भी ये कहते हैं कि हमने इसको पढ़ा दिया, हाँ हमारी तरह काम नहीं करेगा। और वो सर आप सिंपल सी कॉन्सेप्ट बताऊं, आज है ना ठेले वाला अगर बहुत अच्छी जगह पे खड़ा होगा, वो एक दिन के अंदर मोमोज या दूसरी चीज़ें बेचेगा ना तो भी वो अच्छा कमा लेगा, और एक क्लर्क होगा वो उससे कम कमाएगा। फैक्ट है या नहीं है? गवर्नमेंट में आप देख लो, अगर एक ठेले वाले की रोज़ की अर्निंग ही 2000 रुपये, तो साल के 24,000 महीने के 24,000 हो जाएंगे। और आप किसी प्राइवेट जॉब में जाओगे, गवर्नमेंट की तो भूल जाओ, ठीक है, प्राइवेट जॉब में जाओगे आपको स्टार्टिंग में 10 से 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे। तो आप वाइट कॉलर जॉब चाह रहे हो, और मोदी जी ने यही अभी कहा कि ना आप हम पैसे देते हैं, अशोक जी ने भी कहा 50,000 रुपये देते हैं रेडी वालों को, अपना जॉब करो, आप कुछ खुद काम करो। कलाम सर यही कहते थे, आप सैलरी के ऊपर क्यों डिपेंडेड हो, आप अपने लिए काम करो, वाइट कॉलर जॉब। एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना ही सबसे, और एंटरप्रेन्योरशिप तभी प्रमोट हो सकती है जब स्कूल लेवल पे प्रोजेक्ट सिस्टम काम हो। जैसे चाइना और इंडिया में जो डिफरेंसेस हुआ वो इसीलिए हुआ, इन चाइना नंबर वन पॉपुलेशन है, बट चाइना ने क्या किया, जो उनकी जो प्रोडक्ट है वो उन्होंने अपने प्रोडक्ट इंडिया और इंडिया जैसी दूसरी कंट्री में डंप किए, ठीक है, डंपिंग पॉलिसी पे वो करते हैं, और वो जो उनके प्रोजेक्ट है वो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनकी स्कूल लेवल पे बच्चों को प्रोजेक्ट देती है, और प्रोजेक्ट से उनके मार्क्स जुड़ते हैं। और तो प्रोजेक्ट में सपोज जैसे स्कूल लेवल पे 8th 9th 10th को दिया, आपने 1000 आइटम दिए, उसमें से अगर आपके पास 600 आइटम भी सही आए तो आपके लिए लेबर की कॉस्ट तो लगी नहीं, इस वजह से उनको वह सस्ता पड़ रहा है, मार्केट में सस्ती चीज आ रही है, और जो बच्चा बना रहा है प्रोडक्ट को वो आगे जा करके सीख करके कंपनी में आराम से जॉब कर लेगा, या कहीं ना कहीं वो अपना ओन बिजनेस कर लेगा। हमारे यहाँ पे क्या है, हम तो एक ट्रेडिशनल सिस्टम से पढ़ाते हैं, हम ट्रेडिशनल सिस्टम के क्या, बच्चा पढ़ ले, आगे ये एग्जाम दे देना, ये एग्जाम कर लेना, वो कर लेना, क्रैक, व्हाट अबाउट स्किल? हाँ बहकाने वाली है सारी सारी। सर बहानेबाजी सर, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से कारण है, मुखिया काम करता है, ऐसा थोड़ा ना कि उनके अंडर जो परिवार के लोगों को काम नहीं करना चाहते काम, वो सिस्टम तो ऐसा है जिसमें मुखिया को लोग घर बिठाते हैं। क्या सर, मुखिया जब ओल्ड एज का होता है तब घर पे बैठाते हैं।
सर उसको उसको कहते हैं सर आप अपने घर के मुखिया होंगे तो आपको कहेंगे कि आप जाओ और कमा के लाओ, घर के घर पे बच्चे भूखे हैं, तो मुखिया आप हो, मुखिया तो तब बनोगे आप जिसकी बात करो ना, वो ओल्ड एज के, वो 80-70 वाले, वो दादाजी। सर जॉइंट फैमिली को सर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए डाला गया है तो इसमें गलत मैसेज आ रहा है, पॉजिटिव नहीं, ऐसा नहीं है। अनडॉक्यूमेंटेड जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना उनका फेस करना पड़ता है, तो सबसे बड़ी चीज ये है, आज छोटी सी कोई दुकान कोई सब्जी वाला लगा दे, पुलिस वाले का हफ्ता, इधर उधर का, यहाँ खड़ा होना है, यहाँ खड़ा नहीं होना है ना, और जगह को तो जो लोग डाकों को उठा के नगर निगम वालों का लेके जाना है, इन सारी चीज़ों से जो कोई देखता है इसको प्रैक्टिकली सीन करता है तो उसकी तो आगे हिम्मत भी नहीं होती किसी दूसरे को माइंड। तभी तो सर हमारी जो प्लानिंग है ना वो फेल हो गई, हमें प्लान करना है, अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते आज की डेट में, गवर्नमेंट को पता है कि हमारे इंस्टीट्यूशन हमें प्रॉफिट नहीं दे रहे, तो ऐसी कंडीशन में प्राइवेट सेक्टर को अगर प्रमोट करना है तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे यूरोप वगैरह में क्या मिनिमम वेजेस पर आर डिसाइडेड है, आप उससे कम किसी को नहीं दे सकते, अगर कंप्लेन चली गई तो उसकी लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और उसके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी इम्पोज होती है। इंडिया में तो इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, अब मोदी जी पूरा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आपको कम पैसों में काम करवा रही है और आप अगर आप करने के लिए तैयार नहीं हो तो आपके जगह 4 जिने खड़े हैं, 10 जिने खड़े हैं आपकी लाइन में, तो आपको तो मर के करना पड़ेगा क्योंकि आप घर में कमाने वाले एक हो या आपके आपके सरकमस्टेंसेस से आप छोड़ के नहीं जा सकते, आप साथ में कमा रहे हो, किसी भी साथ में और कमाने वाला है वो भी आप दोनों के साथ में घर चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको तो करना पड़ेगा। तो यूरोपियन सिस्टम को हम अपना जरूर रहे बट हमारी प्लानिंग उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने में फेल हो गई है और ये फेलियर के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। पॉलिटिकल लेवल पे सब अपने वो कहते हैं ना ये हमारी अभी का मोटो नहीं है, अभी का हमारा फोटो मोटो है सिर्फ एग्जीक्यूट करना, हम लोग से प्लान बना रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कर, उसका रिजल्ट क्या होगा उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, वो तो वक्त बताएगा। वो एक जो छोटी सी बात जैसे सर ने कल बोला था कि सर ने मीटिंग में बोला और उन्होंने बोल दिया कि ये अभी नहीं है, तो वो चीज़ें हैं उनके क्योंकि उनको पता है कि कैसे इनको आंसर देना है, सर रिजल्ट सबको पता होता है बट ये मीडिया में सब अपने हिसाब से। तो अब गवर्नमेंट अब्दुल कलाम सर ने बोला कि आप लोगों को स्किल्स दो, अब्दुल कलाम सर ने तो कहा था कि ओपन बुक सिस्टम शुरू कर दो, क्यों आप स्कूल में बच्चों को रटाफिकेशन सिखाते हो, अगर बच्चे में क्वालिफिकेशन है तो वो अपने आप कर लेगा, ये स्कूल से शुरू ना उसका IQ लेवल कितना तेज हो जाएगा, आप कर दो फर्स्ट में कोई बुक वाले ले जा, मैं क्वेश्चन तो वहाँ से आएंगे जहाँ से टीचर पूछेगा, तो वो सिस्टम था ही नहीं, उसमें क्या होता बच्चे को, अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक बाउंडेशन पे डाल रहा है, हम एक ही दायरे में सोच रहे हैं, हम अपने माइंड को फ्री नहीं कर रहे हैं, लाइक अभी के जैसे स्टेटस पे देखो लगातार जॉब पे जॉब आ रहे हैं और लोग लगे पड़े जॉब गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में, राजस्थान की जो कंडीशन है, और जॉब्स नहीं मिलती तो डिप्रेशन आता है, कुछ लोग सुसाइड कमिट करते हैं, डिप्रेशन बहुत सारे जॉम्बीज की तरह क्रिएट हो गए हैं, जो जॉब जॉब जॉब, व्हाट अबाउट एक जो लाइफ की सबसे बेस्ट एज होती है उस वक्त तो आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगा रहे हो, अर्निंग पे सोच ही नहीं रहे हो, और जबकि प्रॉब्लम नहीं सर ये सिर्फ राजस्थान में मानते हैं, राजस्थान में ही मानते हैं क्योंकि राजस्थान इज अ ड्राई स्टेट, रीजन क्या राजस्थान में MNCs तो आती नहीं है, अपॉर्चुनिटीज कुछ है नहीं, इंडस्ट्रीज है नहीं, तो इंडस्ट्री MNC नहीं आएगी तो इंडस्ट्रीज नहीं होगी, प्रिफर ही नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ सिर्फ राजस्थान के लोगों की है, सिंपल ग्रेजुएट को अच्छी खासा पेमेंट दे देते हैं और वो लग जाते हैं, हाँ तभी तो मैंने बोला हमारा स्टेट पिछड़ा हुआ है, रीजन क्या है कि हमारे स्टेट के विजन भी, और इसमें कहीं ना कहीं हमारी पहले जो गवर्नमेंट आई है उनके विजन अच्छे नहीं थे, उन्होंने कभी वेलकम नहीं किया, अब देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेसमैन देने वाले अब राजस्थान है, चाहे वो लक्ष्मी निवास मित्तल हो चाहे वो बिरला ग्रुप हो, कितनी की यूनिट्स उन्होंने ला करके यहाँ लगाई, कितना इन्होंने एफर्ट किया इनके लिए, नहीं है सर, हम लोग कह ही नहीं रहे हम उनको, और उनको के, वो आ ही जाए तो हमको सपोर्ट नहीं करते। हाँ सर बिड़ला ने इलेक्शन लड़ा था 1971 के आसपास, हाँ करवा दिया, उन्होंने क्या कहा अनाउंसमेंट किया था सब जगह गांव गांव में गए, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि अगर मैं जीत गया
तो मैं यहाँ इंडस्ट्री लाऊंगा और मैं इतना एम्प्लॉयमेंट दूं यहाँ का कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, मैं अश्योर करता हूँ। वहां की जनता ने उसको हरा, अब वो एक भी दोबारा आए नहीं तो कहां से लाएगा सर उसको हराने में। जनता तो इनोसेंट है, हमारी जो जनता को वोट डलवाया गया वो तो इनोसेंट है ना, नहीं वो इनोसेंट है राजनीतिक चक्कर में। हाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट ही तो किया तो जनता, तो जनता कब समझेगी। और जो जीता था वही उसी क्षेत्र का क्लासिक एग्जांपल है कि वो जो है वहाँ पे नहर लाने का झुंझुनू में वादा कितने सालों से किया जा रहा है, जानबूझ के नहर नहीं लाई गई पानी, ये सबसे बड़ा रीजन है सर। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा रहा है टिकावड़ी। नहीं नहीं अच्छा जानबूझ के नहीं था, मैं उसका रीजन कई रीजन थे मैं बता रहा हूं। ओला ने सीधा ओला ने बहुत ट्राई किया ऐसा नहीं है, मेन रीजन था जो गंग कैनाल या जो भी है हां वो काफी डिस्टेंस पे। ओके और पहले चूरू में आती है और उसके बाद झुंझुनू में आती है, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आ जाए वहां वहां ऊपर से थोड़ी आती है। हां नहीं वो तो चूरू से आएगी फिर झुंझुनू से आएगी। नहीं बाड़मेर के बॉर्डर एरिया में पहुंचा है पानी, हाँ। तो वो ऐसे डायरेक्ट थोड़ी पहुंचा, पहले जैसलमेर पार्ट में पहुंचा फिर वहां पहुंचा, तो टाइम लगा कि फिक्स है। वैसे ही वहां था बीमार्स की समय से नहीं हो पाई, अब हो गई चल रहा वो अलग चीज है। लेकिन अगर जनता सर रीजन एक चीज जो मैंने सीखी अभी तक ये है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम से आईक्यू लेवल लोगों का इतना नहीं बढ़ाया गया, जिस वजह से वो क्वेश्चन नहीं वो नहीं पता, उनको नहीं पता कि लोग उनको यूज कर रहे हैं। और हमारे नेताओं ने हमें बहुत यूज किया, चाहे वो कास्ट सिस्टम से किया हो, दो तरीके से मैंने जो देखा है, या तो अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आपको कास्ट से मार देंगे, आपके बड़े घर पे वो कहेंगे क्या है तुम अपोज नहीं कर सकते और आपको फैमिली प्रेशर में वो चुप कर देंगे, या फिर वो आपको खरीद लेंगे जो उन्होंने किया, या फिर वो आप अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो तो वो आपको थोड़ा सा बच्चों को जैसे लॉलीपॉप दे करके अपना फेवर में कर लेते हैं ना, वैसे ही इन लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे देंगे और उसके बदले में उनसे वोट। और ये बिरला ने अगर आप बोल रहे हो 71 में, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है इसके बारे में, 71 हाँ नहीं 71 में अगर वो किया होता तो वो कितना आगे होता, आज वो जगह कितनी आगे होती। आज जोधपुर से थोड़ा सा दूर ही सर, जोधपुर के खारिया खगोटन की तरफ जाओ, खारिया खंगार में बिरला की ही एक यूनिट लगी हुई है, ठीक है ना सर, उस वजह से वहाँ के एरिया में कितना डेवलपमेंट हुआ। दूसरी बात ये कि अगर किसी को कुछ करना है तो उसके लिए पॉलिटिक्स ही एक हाँ नहीं है ना, वो अगर उनको करना ही था बिरला जी को तो सर रीजन नहीं रीजन ये था सर। आप देखो अशोक जी ने तो बहुत कोशिश की और अशोक जी ही ऐसे बंदे थे जिन्होंने टूरिज्म को पहले इंडस्ट्री की, क्योंकि उनको पता था इंडिया में अगर राजस्थान में अगर करना है तो टूरिज्म से बहुत पैसा आ सकता है, इंडस्ट्री का दर्जा और इंडस्ट्री में वेलकम करना होता है। इंडस्ट्री जब आती है ना सर, जैसे अभी की इंडस्ट्री की बात करें, बंगाल में भी जाना था और यहाँ पर भी, गुजरात में चली गई इंडस्ट्रीज, अब वेदांता ने अपना 5G चिप्स बनाने के लिए उन्होंने किया, उसमें महाराष्ट्र भी था, बंगाल भी था, बहुत सारे स्टेट थे, इवन तमिलनाडु भी था। गुजरात ने बाजी जीती, गुजरात ने क्या बोला कि हम आपको लैंड देंगे 100 साल के लिए लीज पर, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी एक लंबे टाइम तक के लिए आधे पैसे या फ्री में देंगे, टैक्स में आपको इतने साल तक बेनिफिट होगा। इंडस्ट्री अपना फ़ायदा ज़रूर देखती है सर, और हम आपको ट्रांसपोर्ट की पूरी सुविधा देंगे, हम आपको ऐसे एरिया में देंगे जहाँ से आप पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सको अपना माल। तो सर इंडस्ट्री बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट आप भी ऐसे ही सेक्टर को चूज करोगे। हाँ मैं इंडस्ट्रियलिस्ट की बात ही कर रही हूँ सर, मुझे अगर विधायक या सांसद बनाया सर, बिजनेसमैन कभी लॉस के लिए यूनिट नहीं बनाता। प्रैक्टिकल सर अगर आप बिजनेसमैन हो सर, अगर आप बिजनेसमैन हो आपकी अपने होम टाउन से फीलिंग्स होगी, आप अपनी पैसा वहाँ बर्बाद करने के लिए नहीं लगाओगे, आप कहोगे कि हाँ मैं लगाना चाहता हूँ, सरकार आपको सपोर्ट करे। और सरकार तो कह रही है तुमको लैंड तुमको खरीदना है, टैक्स इतना देना है, ये देना है, फिर आप देखोगे मैं इन लोगों के लिए फ़ायदा कर रहा हूँ, जिन लोगों के लिए मैं फ़ायदा कर रहा हूँ वो मेरे लिए ही नहीं खड़े, मैं पागल हूँ क्या, मैं तो कहीं और लगाऊँ मुझे फ़ायदा मिलेगा, मेरा ग्रोथ होगा, आप अपनी ग्रोथ देखोगे ना। और बिजनेसमैन का बिजनेस का पहला उसूल है खुद का प्रॉफिट देखना, कॉमर्स में तो मैंने यही सीखा।
और सब इंडस्ट्री और वो दूसरे का नुकसान नहीं करी और क्या करिए, सरकार ने सपोर्ट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने बहुत सपोर्ट किया, इस वजह से पिछले जितने टाइम तक वो सीएम था इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत तगड़ा हुआ। गुजरात वैसे भी बहुत रिच था और मोदी के विजन की वजह से और रिच हो गया और अब तो वो प्राइम मिनिस्टर है तो वो तो और नियाल हो गया बात। और हमारे राजस्थान की एक लंबे टाइम तक राजस्थान के नेताओं ने इस तरफ सोचा ही नहीं, वो बस केंद्र के ऊपर सेंटर के ऊपर है कि वो जो फाइनेंस कमीशन हमको दे देना पैसा, हम उस पर जिंदा है, बस हमें लड़ लड़ा के ले जाओ कि हमें ले लो हमारा खर्चा। और फिर उनको तो यही पता, ये फंड आया हमको इस तरीके से अलोकेशन लेना और हमारा निकालना है। राजस्थान और सर ये जैसे 5-15 की ये रिफाइनरी का जो केस कर रहे हो, ये रिफाइनरी तो पूरी पूरी जा रही थी गुजरात के अंदर। अशोक जी का विजन है, अशोक जी के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, ये मुरली देवड़ा के ऑफिस में चप्पल पे बैठा रहा रात को 12 बजे तक कि रिफाइनरी जोधपुर से बाहर नहीं जानी चाहिए, बाड़मेर की तरफ से बाड़मेर से बाहर नहीं जानी चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि बाड़मेर एरिया बॉर्डर एरिया है और रिस्की है, कभी भी वॉर होगा तो अशोक जी के ऐसे थोड़ी ना होगा, तो कि पाइपलाइंस के थ्रू हम पाइपलाइन ऐसे बनाएंगे तो गुजरात में प्रोडक्शन होगा, तो कहेंगे क्या फिर बाड़मेर के लोग तो भूखे मर जाएंगे। और पश्चिमी राजस्थान वैसे ही ड्राई है सर, पूरा राजस्थान, अगर राजस्थान को रिप्रेजेंट इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है तो रेगिस्तान माना जाता है, तो यानी राजस्थान रेगिस्तान है तो पश्चिमी राजस्थान है, जबकि पूरा का पूरा जो ये कोटा बूंदी और ये सारा कितना डेवलप है, इतनी बारिश इतना अच्छा होता है। हाँ वो तो वो अलोकेशन सर, वो अलोकेशन उन्होंने किया पर ये पूरी पाइपलाइन से उधर लेके जा रहे थे, राजस्थान में ही है पर ये गुजरात में ले जाने के लिए शिफ्ट कर दी गई थी। फिर अशोक जी के नहीं, मेरे को तो नहीं जान, मैं यहीं पे रहना, और बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी उसके बाद में ये कि यही रही, वसुंधरा तो रेडी थी देने के लिए। सर मैंने जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपया आए वो क्यों चुप कर बोलेगा, उसको क्या करना अगली जनरेशन से, आप क्यों वो देश का देखोगे, सब अपना पहला हित देखते, मैंने तो यही देखा। तो यही चीज है कि इस कारण से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने हमारी पॉलिसी थोड़ी गड़बड़ रही, इसमें 100% जिस विजन से किया उस विजन को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और इस वजह से अब तो आज के टाइम में स्किल, आज के टाइम में व्हाइट कॉलर जॉब कैसे क्रिएट हो रही है, क्योंकि स्किल्स ही नहीं है लोगों के पास, पढ़ तो ली है पर स्किल्स ही नहीं है, आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ ही नहीं है। आप अपने इवन इंजीनियर्स को देख लो, आपके तो फील्ड के ही हैं, आपको पता है कितने इंजीनियर्स होते हैं जो सुपर होते हैं और बाकी सब एक डिग्रियां लेके आए, जिनको अगर थोड़ा भी अगर अटैच करना हो तो वो भी नहीं आएगा, तो वो हाँ बिना लैब्स के, बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ, बिना लैब्स के उनको पता ही नहीं है कुछ, और वैसे में उनके पास डिग्री है वो क्या करेंगे आगे जाके। तो जॉब नहीं देगा, अब फिर वो कोशिश करेगा गवर्नमेंट सेक्टर में, और गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा लेकर के क्या अपने सेक्टर को इम्प्रूव कर पाएगा, पॉसिबिलिटीज नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर लॉस पे चल रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर लॉस होने के रीजन भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें, कास्ट सिस्टम से कर दो, आपने सिलेक्शंस किया अच्छी क्वालिटी, इवन मैनेजमेंट सिस्टम में आपने अपने नेताओं ने अपने रिलेटिव को दे दिया, जो टॉप मैनेजमेंट है उसके डिसीजन सही जाने चाहिए, उन्होंने गलत डिसीजन लिए क्योंकि नेताओं ने अपने सो कॉल्ड रिलेटिव को लगाया जिनको नॉलेज ही नहीं है, तो हमारी टॉप बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसी कारण फेल हो गई, करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट, और ये पैसा गवर्नमेंट का थोड़ी नहीं है, तो आम जनता का है जिन्होंने कमाया और टैक्स के फॉर्म में दिया। मैं यही तो यही चीज कह रही हूँ, ये चीजें सर मैंने आपने ना प्रैक्टिकली देखी है, आपने प्रैक्टिकली ये चीजें मैंने ये पढ़ी है बुक्स के अंदर, फेलियर क्यों हुए ये बुक्स में पढ़ने का एक रीजन ये भी था। अब जैसे कल मैंने बोला बैंक्स में करोड़ों रुपए के लोन दे रहे हैं, ऐसे कैसे दे सकते करोड़ों रुपए के, आप और मैं लेने जाएंगे हजार डॉक्यूमेंट्स मांगेगा,
पर्सनल आकर के विजिट करेगा और वो बिना विजिट पे दे रहा है। मिली भगत है, बैंक ऑफिशियल्स मिलते हैं, पॉलिटिशियंस मिलते हैं, सारे सारे मिलते हैं, तब करोड़ों रुपए, और वो पैसा उनका नहीं होता। ये चीज़ सबसे बड़ी बात है। आप पैसे के अधिकारी नहीं हो, टैक्स के फॉर्म में जनता ने दिया है। अनफॉर्चुनेटली जनता क्वेश्चन नहीं पूछती। आप सबसे बड़ा कंपैरिजन देखोगे ना, इंडिया के जब नेताओं इलेक्शंस में खड़े होते हैं ना, क्या बोलते हैं, और आप कभी यूरोप में अमेरिका के नेताओं का देख लेना भाषण, वो डेवलपमेंट पे बात करते हैं और वो डिबेट में ये बोलते हैं कि हम ये करेंगे, और अगली बार उनको रिप्लाई देना पड़ता है, और हमारे नेता क्या करते हैं, नया मुद्दा खड़ा कर देते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो, वॉट एवर, नहीं कर पाते हैं ना, तो मीडिया के सामने आते नहीं। ब्रिटेन किया था ना अभी, ब्रिटेन के पीएम ने, हाँ, सर वो ट्रेन की कंडीशंस बहुत बुरी है। इस वजह से जो ऋषि सुनक है, वो उन्होंने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अच्छे डिसीजन लिए, उस वजह से सर रीजन, सर वो सर, जब आप अपने स्टैंडर्ड से 1% भी नीचे उतरते हो तो वो गिरना ही होता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनकी पाउंड जो इक्वल हो गई डॉलर के, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वहाँ पे भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नहीं सर, सर वो एसेट्स कभी बेची नहीं जाती, बेसिक रूल्स यही होता है, ऐसे से ऐसे क्रिएट की जाती है। नहीं नहीं सर, वो अगर उन्होंने अच्छे, अगर ऋषि सुनक, नहीं ऋषि सुनक की पॉलिसी अगर सही चली गई और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वहाँ पे कंट्रोल हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, जो उन्होंने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर अच्छे डिसीजन लिए, तो ब्रिटेन अपनी वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। और लाइफ में अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो ये कंट्री का अप एंड डाउन्स है, और रीजन है कि रिसेशन आ चुका है या आ रहा है, वॉट एवर, ये कागजों में तो कह रहा है कि अभी आया नहीं, यूरोप जा चुका है, चाइना उससे निकल चुका है, चाइना में रिसेशन बहुत बुरे तरीके से आ चुका था, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले चाइना में आया लॉकडाउन। सर वो क्योंकि वो क्लोज इकोनॉमी है, सर वो क्लोज इकोनॉमी है, उन्होंने तो किसी सेक्टर को बाहर ओपन किया ही नहीं है, वहाँ तो यूट्यूब भी उनका खुद का है, यूट्यूब अमेरिका का नहीं है, तो वो क्लोज सेक्टर सर आया है, एनालिसिस हुआ है। हाँ उन्होंने अपने से पहले ओपन, अरे सर उन्होंने अपने से पहले पॉलिसीज अपनाना शुरू किया, जो सेज वगैरह एक्सपोर्ट को उन्होंने ज़्यादा, और इंपोर्ट पे उनकी जो डिपेंडेंसी है उनकी बहुत कम है, इंडिया की बहुत ज़्यादा है। मैं बोल रही हूँ ना, इंडिया के जितने भी इंपोर्ट हैं उसमें हमारा 90% से पेट्रोलियम है, उसको नहीं चाहिए। आप नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे रशिया ने किया ना, पूरे यूरोप ने बैन कर दिया रशिया के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कर लूंगा अपने आप। रशिया की रूबल टूटी, नहीं टूटी, उतना टूटी नहीं जितनी उम्मीद थी, और इंडिया हो तो बर्बाद हो जाए, तो वही चीज है। चाइना ने ना किसी भी सेक्टर को खोला ही नहीं है, उन्होंने खोलते हुए भी नहीं खोला, उन्होंने इसलिए खोला सर, WTO की पॉलिसी है, आप कहीं पे जाओगे ना बेचने के लिए तो आपको पहले अपना मार्केट खोलना पड़ेगा, कि ठीक है खोल देंगे, बट उन्होंने उससे पहले अपनी इंडस्ट्री को इतना डेवलप बना दिया कि मार्केट बाहर से जो आएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। सपोज जैसे ये ग्लास ही है, ये ग्लास अगर बाहर से चाइना में बिकने गई और ये 2 रुपये की बिक्री है, वो वहाँ के प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर 1 रुपये में बेच देंगे, तो आप कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्या अपने यहाँ पे बेच सकते हैं, अपने यहाँ पे 2 रुपये की चीज़ 4 रुपये में भी बनेगी, बेचारा 1 रुपये तो प्रॉफिट कमाएगा। रीज़न क्या है कि बहुत सारे दूसरे पॉलिटिकल रीज़न हो सकते हैं, रॉ मटेरियल हो सकता है, बहुत सारे रीजन्स हैं, सपोर्ट भी होता है, चाइना ने सपोर्ट किया उसकी गवर्नमेंट ने इस वजह से, वरना सर रिसेशन आया बहुत बुरे तरीके से था, तानाशाही है, बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ता है, उसका बहुत फ़र्क है। और उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मीडिया पूरी तरीके से वही छापती है जो वहाँ की गवर्नमेंट, पूरा कंट्रोल है वहाँ का, तो वही तो चीज, जैसे मैंने बोला ना सर, वहाँ पे उन्होंने स्कूल लेवल पे ये प्रोजेक्ट सिखाना बनाना सिखा दिया, बच्चे रोबोट, जो हमारे बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे रोबोट से खेलते हैं, वहाँ के बच्चे 8th-9th स्टैंडर्ड में वो प्रोजेक्ट बना चुके होते हैं, अब वो बड़े होकर के करेंगे, टॉय इंडस्ट्री करेंगे और पूरी दुनिया में भेजेंगे,
अब वो पूरी दुनिया में भेजेंगे तो रॉ मटेरियल लेबर की कॉस्ट तो लगी नहीं उनकी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी उसमें से कुछ खराब हो गया तो कोई बात नहीं है, पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर दिया पैसा आ गया। तो वो जो चीज़ है ना एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट पे उनकी डिपेंडेंसी नहीं है। सर बिल्कुल हाँ सर, देशभक्ति तभी रखी जा सकती है जब आपके पास सब्सिट्यूट हो। मिट्टी के दिए कौन लगाता है सर, मैं यही तो चीज कह रही हूँ, मिट्टी के दिए आप 50 रुपए की वो एक बोरिया हो उसमें जो खर्चा आएगा और तेल के दिए, तेल के दिए जलाने का खर्चा है, दिया जलेगा आधा घंटा एक घंटा बिजली बात है, रात भर आप स्विच ऑफ करना, किसी भी कंट्री में देश भी तभी हो रहा है तेल का, तेल का जल रहा है, ये तो हमें क्या आएगा ट्राइसेम के सॉरी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स लिए, इनिशिएटिव्स लिए, वो कौन से थे, ट्राइसेम किया 1979 में, सॉरी ट्राइसेम को उन्होंने स्कीम बनाई, आईआरडीपी स्कीम 1980s में, जवाहर रोजगार योजना स्कीम 1989 के अंदर, मनरेगा स्कीम जिसको आप सब लोग जानते हो 2005 के अंदर आई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 के अंदर आई, और अभी तो मोदी जी का सिर्फ यही है कौशल को बढ़ाया जाए, स्किल्स को बढ़ाया जाए, स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016 में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जिसके तहत कॉलेज लेवल पे एजुकेशन स्किल्स डेवलप की जाती है 2014 में ये स्कीम हुई। तो इस तरीके से ये सारी स्कीम आई फिनिश है, ये तो बस इतना ही है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इससे ज़्यादा कुछ मैंने इंक्लूड नहीं किया, बहुत सारे प्लान्स थे, मेन मेन प्लान को मैंने लिया, छोटे छोटे प्लान ही लिए, और इसमें मेन जो है मनरेगा वाला है, और 2019-20 के ऑनवर्ड्स जो कोविड के समय, हाँ सर, आम आदमी या उसके बाद में, यस सर, रोजगार उपलब्ध कराने में इनमें सबसे ज़्यादा सहयोगी कौन था, मनरेगा ने तो बहुत हेल्प की सर, मनरेगा ने लोगों को गांव से बाहर नहीं लाने में बहुत हेल्प की है, लोग बहुत खुश हैं, गांव के लोग जो अनस्किल्ड लेबर है इंडिया की वो बाहर आना ही नहीं चाहती है, रूरल जो मैंने बोला इमोबिलिटी ऑफ लेबर है, रीजन एक भी है क्योंकि वो जब बारिश आया तब वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, और अब वो मनरेगा के तहत कहीं ना कहीं लगे हैं जिनसे उनको मिनिमम वेजेज मिल रही है, उनकी वाइफ उनके घर वाले सब लगे, वो कह रहे हैं हम बाहर जाकर के 500 रुपये कमाएंगे घर से दूर, इससे अच्छा हम 100-200 रुपये में ठीक है। आप देखो रूरल एरिया में ये हो रहा है, अर्बन नरेगा भी आ गया, हाँ आएगा सर, तो अब गवर्नमेंट यही करेगी ना, गवर्नमेंट के पास कोई प्लान तो है नहीं सर, अब गवर्नमेंट तो यही करेगी, इनइक्वलिटीज यानी कि आय असमता असमानता, आगे क्यों नहीं हो रहा है, इसके अंदर क्या होगा, इनकम इनइक्वलिटीज़ में जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ है नेशन के अंदर इक्वल लेवल पे नहीं हो, यानी इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करने में फेल हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनइक्वलिटीज़ क्रिएट हो जाती है। इनइक्वलिटीज़ गवर्नमेंट का काम होता है इनकम को सही तरीके से पहुँचाए और लोगों को वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करे, तो वेल्थ और इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही इनइक्वलिटीज़ को क्रिएट करता है। अब इनइक्वलिटीज़ से रिलेटेड तीन बेसिक कैलकुलेटिव इस फॉर्मूले हैं जो यूज किए जाते हैं, गिनी कोफिशिएंट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, कुंजेंट है और लॉरेंस है, ये दो और हैं जिनको यूज करते हैं, ये इन्हीं से रिलेटेड है, और गिनी कोफिशिएंट जो कैलकुलेटिव स्कीम्स है या मेथड है हाइपोथेसिस है उसमें ये देखा जाता है इनइक्वलिटी लेवल 0-1 के अंदर, ये इस तरीके से देखा जाता है कि 0 है तो एब्सोल्यूट इक्वलिटी है और अगर 1 है तो एब्सोल्यूट इनइक्वलिटी है, इन दोनों के पॉइंट का है। देन उसके बाद में एक सर्वे हुआ वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2020-22 के अकॉर्डिंग, इंडिया में रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है,
और वो बोला गया उस स्कीम में, उस रिपोर्ट के अंदर, कि इंडिया के टॉप 10% जो पीपल्स है उनके पास में पूरा नेशनल इनकम का 57% होल्ड कर रखा है। इंडिया की जो टोटल इनकम है उसका 57% उनके पास होल्डिंग है, और बाकी के जो बॉटम के 50% है उनके पास में केवल नेशनल इनकम का 13% होल्डिंग रख रखी है। तो ये जो इनइक्वलिटी को बता रहा है, ये बहुत बड़ा डेटा है। हाँ, ये तो बढ़ रही है सर, इसको और भी ज्यादा बढ़ा है, ये वर्क नहीं कर रहा है। 5% में जो है वो सारा पूरा ये सर्वाइव करेगा सर। अभी मैं वो डेटा पे आ रही हूँ आगे, ठीक है। इसको और डिटेल में करें तो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज क्लब को, जहाँ पे रिच बहुत ज़्यादा रिच है और पुअर बहुत पुअर। इंडिया ने रिसेंट में यही काम किया है जो आप बोल रहे हो ना, बिल्कुल यही पे ये ज्वाइन किया। इंडिया सेकेंड मोस्ट अनइक्वल कंट्री बन चुकी है वर्ल्ड की, जहाँ पे देखो आप एक अडानी और मुकेश अंबानी जो वर्ल्ड के अंदर इतने पैसे वाले हैं और उसी कंट्री में लोग भूखे भी मर रहे हैं। तो 54% हमारे पास में वेल्थ है जो उन लोगों के पास में, ये एक चीज़ है। इंडिया के 1% रिच जो है, मैंने 10% रिच बताया जिनके पास 50% नेशनल इनकम का है, उसमें से भी 1% जो है उनके पास में इंडिया की जो कंट्री की वेल्थ है उसका 53% उनके पास पड़ा है। तो एक बहुत बड़ा रेशियो 53% 1% लोगों के पास में, 125 करोड़ सर ये, हाँ यही तो चीज है ना। नंबर दो में जो स्विस अकाउंट्स में पड़ा है वो तो सर ब्लैक मनी है, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो तो प्रॉब्लमेटिक है, उससे सारी वापस होने की चिड़िया बन सकते हैं। वो आएगा सर, आपको लगता है उस पर कभी बात नहीं होगी? कोई सरकार मैंने देखा है, आप सीट पे आए तो मैं आपकी बात रखूंगी और मैं सीट पे आई तो आपकी बात रखूंगी, 10-10 सीट यही कर रहे हैं ये लोग। चाणक्य ने यही कहा था कि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक एक पार्टी रूलिंग पार्टी तभी अच्छे से काम कर सकती है जब अपोजिशन स्ट्रांग हो। अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन दोनों ही कंडीशन में स्ट्रांग नहीं है। 10% के पास 76% है, ये हमारी वेल्थ का है, और जो इंडिया के पुअर पर्सन है पुअरेस्ट उनके पास में 4.1% नेशनल वेल्थ पड़ी है। सिर्फ जो पुअर पर्सन है उनके पास पूरी नेशन की वेल्थ का सिर्फ 4% है। तो अब जो ये जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत अच्छे हुए पर उसने रिच एंड पुअर के बीच का गैप बहुत बढ़ा दिया। रीजन ये था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उसको बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया, और वो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बहुत बड़ा थी। तो ये जो ग्रुप था ना सबसे ज़्यादा इंडिया का अगर लॉस में हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म से, तो ये गैप बहुत बड़ा, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सबसे पहले थी जो बाउंडेशन थी 100 करोड़ की, कि कोई भी बिजनेसमैन इंडिया का 100 करोड़ से ज़्यादा वेल्थ नहीं रख सकता, अगर वेल्थ रखेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लेगी। तो ऐसी कंडीशन में कोई करता ही नहीं था उससे ज़्यादा। अब वो बाउंडेशन हटा दी तो अब तो ये तो दौड़ में लगे हुए हैं कि हम टॉप बन जाए, वर्ल्ड के टॉप नंबर में आ जाए। तो इसमें अब उनके पास में ऑलरेडी उनके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने और सारे सारे रिसोर्सेज को यूज किया, तो पुअर एंड रिच के बीच का गैप बढ़ता रहा। तो कैपिंग कर दी जाए हाई लेवल पे, कोई जैसे 100 करोड़ से ज्यादा कोई वेल्थ इंडिविजुअल नहीं रख सकता। दूसरा मिनिमम वेज भी फिक्स कर दी जाए कि इससे कम मजदूर को पेमेंट नहीं होगा। सर मिनिमम वेजेस फिक्स है पर बढ़ा दिया जाए। हाँ वही चीज है ना, मैंने अभी आपको बोला यूरोपियन लेवल में पर आर को है, यूरोपियन लेवल यूरोप में चले जाओ अमेरिका में, वहाँ पे लेबर हायर करना बहुत मुश्किल है और लेबर लॉ बहुत ज़्यादा सख्त है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पर आर का फीस देना पड़ता है, आपको पर आर इतनी डॉलर देना है तो देना है, अपन क्या पर आर का तो सिस्टम ही नहीं है। और अपने यहाँ और वहाँ पे क्या है कि अपने यहाँ कर भी दिया गवर्नमेंट ने, मिनिमम वेजेस कर भी दिया, फिर क्या हो रहा है मिनिमम वेजेस दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि शिकायत करने जा रहे हो तो अगला वाला मिला पड़ा है, वहाँ पे तो शिकायत करते ही बहुत लंबी हो जाती है। आजादी से पहले हाँ सर यहाँ के लेबर को 12 घंटे काम करना पड़ता है। ओके सरकार ने तत्कालीन सरकार ने आजादी के दौरान ये नियम बनाया कि 8 घंटे से ज्यादा काम लेगा वो बनेला जी। हाँ उन्होंने काफी रेस्ट्रिक्शन दिए फिर भी वो कंट्रोल नहीं हुआ। हाँ 1971 के बाद इमरजेंसी के बाद में ये काफी कंट्रोल हुआ, उस समय काफी नियम सख्त।
अभी लगभग 5-6 साल पहले सरकार ने लिबर्टी दी कि इंडस्ट्रीज में 8 घंटे से 12 घंटे तक अगर काम कोई करना चाहता है तो इंडस्ट्री काम ले सकती है, उसके लिए एक्स्ट्रा वेज देना पड़ेगा। ये लाइन तो दे दी लेकिन उनका जो बाउंडेशन था वो खत्म हो गया, और आज जो 8 से 12 घंटे काम कर रहे हैं उनको भी वही तनख्वाह मिल रही है, तो एक प्रकार से इनडायरेक्ट छूट दे दी मजदूर को लूटने की, तो लेबर कहाँ रहेगा। सर मैं इसका रिसेंटली एग्जांपल बताऊं, मून लाइटिंग नाम से भी एक चीज चल रही है आईटी इंडस्ट्रीज में, बहुत बड़ा ये, और आईटी ने इस वजह से विप्रो जैसे ही और इंफोसिस ने बोल दिया जो मून लाइटिंग करते हैं उनको हम बाहर निकाले। मून लाइटिंग क्या, बंदा कोविड के दौरान घर पे रहे, आईटी एक्सपर्ट्स वो जितने थे उन्होंने घर से वर्क एट होम था, ठीक है, तो वर्क एट होम पे उन्होंने अपना काम किया, अब उनको तो दूसरी कोई और ऑप्शन मिल गया तो उनके पास टाइम है तो उन्होंने वो भी काम कर लिया। सर आप 8 घंटे के लिए किसी कंपनी में अगर जॉब करते हो उसके बाद के घंटे तो आपके हैं, 16 आवर आप सो फैमिली के साथ स्पेंड करो या कोई दूसरा काम करो, उस पर वो ऑनर तो नहीं करेगा। मून लाइटिंग में ये बोल दिया गया कि अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हो तो आप वो जॉब छोड़ दीजिए, अदरवाइज हम आपको जॉब से बाहर कर देंगे। तो सभी प्राइवेट जॉब भी करते हैं, आज हम जब किसी भी कॉलेज में थे प्राइवेट कॉलेज में तो ये कहता था आप किसी और कॉलेज के साथ या किसी और एजेंसी के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते, अगर होते हो तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो रूल्स है मैम। सर रूल्स है पर ये अभी आईटी सेक्टर में मून लाइटिंग के नाम से बहुत फेमस हुआ, और प्राइवेट सर गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट में कम से कम कंपनीज गलत नहीं है। सर कंपनीज गलत कहाँ है पे ये मैं बात बताऊँ, कंपनी जो 8 घंटे, आप ये बताओ गवर्नमेंट सेक्टर में बंदा जितना काम करता है क्या उतना ही और उससे बराबर काम करेगा प्राइवेट सेक्टर में, उसमें बहुत काम करना पड़ता है उनको, कम भी करना पड़ता है ज्यादा भी, ऐसा भी अब बड़ी कंपनियां सर है वो तो टारगेट दे करके रखती है, आपको पता है प्राइवेट कंपनियां टारगेट देती है आपको ये करना है आपको इतना टारगेट अचीव करना है, आप एक दिन 12 घंटे काम कर रहे हो दूसरे दिन 4 घंटे काम कर रहे हो ये भी देती है। हाँ वो तो देती है सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात अगर करें, हाँ आप एक दिन अगर बिल्कुल वीक के उन्हें 80 घंटे हाँ, चाहिए उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया तो वो फ्री है, आप चाहे 4 दिन में वो पूरे कर लो 3 दिन में पूरे कर लो फ्री हो उसके बाद जो भी आर्स है। तो सर उन्होंने उसका मिसयूज अगर करोगे मैं 3 दिन तो यहाँ कर लो फिर मैं 3 दिन करूँ, तो आप एक तरह से अपने जो एफिशिएंसी है अपने बिल्कुल इसी पे क्वेश्चन मार्क किया उन्होंने क्वेश्चन किया। डॉक्टर्स को देख लीजिए ना, डॉक्टर्स जो है लाखों में तनख्वाह मिल रही है, फिर प्राइवेट प्रैक्टिस में घर पे जयपुर डॉक्टर्स क्या इनकम पर डे की 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए तू घर पे कमा रहे पर डे पर डे इलेवन के अकॉर्डिंग डेटा जो पर कैपिटा इनकम हाउस होल्ड की, और इसमें मैंने गिनी पॉइंट्स के बेसिस पे ये फाइंड आउट किया था, ये इंडिया का अप्रोक्स 50 के आसपास है, इसको आगे ये एक चार्ट है जिसमें इनइक्वलिटी का उसी वक्त हुआ 2021 में ये वापस करना था हाउस होल्ड का पर हो नहीं पाया कोविड की कंडीशन से, तो ये लास्ट डेटा जो था ये 50 के अप्रोक्स था कि इंडिया में हाउस होल्ड की पर कैपिटा इनकम 50% के आसपास है 50 पॉइंट के आसपास। कॉजेज क्या है इनइक्वलिटी का, टेक्नोलॉजी इनोवेशन सबसे बड़ा और सबसे पहला है टेक्नोलॉजी, इन्होंने बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी क्रिएट की, जिन लोगों को स्किल्स थी जिन लोगों के पास में रिसोर्सेज थे उन्होंने अपने आप को अपडेट कर लिया और उस वजह से उनकी बेनिफिट ज़्यादा हुए। कंप्यूटर से रिलेटेड आप देख लो, जिनको कंप्यूटर नॉलेज थी कंप्यूटर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने बेचे हैं जिन कंपनियों ने उन्होंने खूब पैसा कमाया, बिल गेट्स उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, वर्ल्ड के अंदर नंबर वन पे बहुत लंबे टाइम तक रहा पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इंडिया के अंदर भी काफ़ी आईटी इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने इनोवेशन को सपोर्ट किया और वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करने रहे, और आज के डेट में भी सभी लोग इनोवेशन पे ज़्यादा कर रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी हम यूज कर पाएंगे हम उतना ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे, जब सारे लोग लेंगे उस वक्त हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा तब हम किसी और नई टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ट्रेड ग्लोबलाइजेशन इसकी वजह से हुआ क्योंकि इंडिया में बाहर से ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इंडिया की कंपनी बाहर गई तो बाहर की कंपनियों के लिए हमें इंडियन मार्केट खोलना पड़ा, जब इंडियन मार्केट हमने खोला तो हमारे मार्केट में जो प्रोडक्ट बन रहे थे उनकी ना तो क्वालिटी अच्छी थी ना ही उनकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी थी बट प्राइस लेवल बहुत हाई था। तो हुआ ये कि बाहर की कंपनियों ने उससे अच्छी क्वालिटी की चीज़ हमें कम प्राइस में प्रोवाइड करा दी, और एक कंज्यूमर को कम प्राइस में अगर अच्छी चीज़ मिल रही हो तो वो वही लेगा। जो अभी देख लो इंडिया के अंदर मोबाइल में देख लो, इंडिया की कौन सी मोबाइल कंपनी है जो टॉप में आती हो,
माइक्रोमैक्स और एक और कंपनी है, उसके अलावा तो मेरे को कोई कंपनी का नाम ही नहीं पता कि इंडिया की कोई है, ठीक है। और माइक्रोमैक्स कंपनी भी आखिरी सांस से ही गिन रही है, और इंडिया आईटी सेक्टर में इंडिया से इतने लोग चले गए जो गूगल को लीड कर रहे हैं, फेसबुक कंपनी में लगे इतने एक्सपर्ट, क्या वो इंडिया में काम नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर के लिए? काम कर सकते हैं बट नहीं कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में उनको अच्छा पैकेज मिल रहा है, वो वहाँ पे पैकेज में खुश हैं, और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन से बाहर की कंपनियाँ आ रही है और सस्ते अच्छे फ़ोन दे रही है, चाहे वो MI का फ़ोन ले लो, ओप्पो वीवो ले लो। तो जब इतने अच्छे फ़ोन होंगे तो लोग क्यों माइक्रोमैक्स के फ़ोन को ख़रीदेंगे? तो ये चीज़ थी, ट्रेड ग्लोबलाइजेशन ने भी बहुत इम्प्रूव किया, इनइक्वलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, कॉमर्शियल लेवल पे भी ये हुआ। देन फाइनेंशियल नेटवर्क भी एक रीज़न था कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ एक दूसरे से फाइनेंशियली पैसा आता रहता है, जाता रहता है, तो फ्लो है। बड़ी कंपनियाँ जब इंडिया में आएगी तो इंडिया की वेल नोन कंपनी में पैसा लगाएगी, उनका खुद का, इंडिया की टॉप कंपनीज का, उनके साथ लाइजनिंग होती है, तो वो पैसे के कारण भी डिफरेंसेस होता रहा, और गरीबों के पास जितना पैसा पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। ये कुछ चीज़ें हैं जो चार्ट फॉर्मेट में भी बताई है इसके अंदर, यही सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई है, इसके क्या परिणाम हुए। सबसे पहले हमारी जितना ज़्यादा अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ा, उसकी वजह से जन आंदोलन बहुत हुए, सोशल लेवल पे अनरेस्ट हो गया, लोग अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होते रहे, तो गरीबों ने लड़ाई करना शुरू कर दिया कि हमारे पास पैसा कैसा, जन आंदोलन ने बहुत बड़ा रूप लिया। तो ये एक चीज़ थी, इंक्रीज बर्डन कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट की सब्सिडीज कंपनीज के ऊपर कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, और गवर्नमेंट ने किया, और उसका एक उदाहरण एयर इंडिया है, रिसेंटली उसको वापस बेच दिया गया, जिसकी वो जिससे लिया गया, टाटा कंपनी को वापस बेच दिया गया। रीज़न ये था कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने हायर कर रखा था, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा, और ये कहा भी गया है कि गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसमें जितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए उससे ज़्यादा लोगों को हायर कर चुके हैं, तो ये एक बर्डन गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस पे पड़ा। देन आया इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी को इसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, सबसे ज़्यादा गरीबी बहुत बढ़ गई। ऑफकोर्स गरीबी बढ़ेगी तो करप्शन बढ़ेगा, ड्रग्स इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी, वो सारी इंडिया के अंदर हुआ। देन हुआ इकोनॉमिक लेवल पे हमारी जो कंडीशंस थी वो पुअर होती गई, हम लोग जिस तरीके से हमें ग्रोथ करनी थी हमें उस तरीके से हम ग्रोथ नहीं कर पाए, क्योंकि इंडिया के कुछ लोगों ने इंडिया की पूरी वेल्थ पर कंट्रोल कर रखा था, और वो इंडिया की वो वेल्थ को अपने अकॉर्डिंग चलाते थे। तो ये कुछ रीजंस थे जो जिस वजह से इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लिखा हुआ है, हमारा कोलैप्स हो गया सिटी गवर्नेंस सिस्टम का इंडिया के अंदर। ये कुछ है हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इनइक्वलिटीज़ को। इनइक्वलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हम एक ऐसी यूनिट बनाएं जो लेबर इंटेंसिव हो, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके हाथ से। अनफॉर्चुनेटली हम इस पर अभी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, अभी हम सब के सब ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं, रोबोटिक इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, पूरा वर्ल्ड रोबोटिक की तरफ जा रहा है, और इंडिया में तो इंसान इतने हैं रोबोट की, अगर रोबोट को जॉब दोगे तो फिर इंसानों को कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम है कि हम सब ऑटोमेटिक हो रहे हैं, और ऑटोमेटिक होने की वजह से इनइक्वलिटी और बढ़ती जाएगी। तो इसका पहला चीज़ है कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को प्रमोट किया जाए, और ये एक ही है तो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, यानी उनको भी इतना डेवलप कर दो कि वो बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सके। पहले का तो यही तो था, सोने की चिड़िया वाला जो बेस था वो तो यही था सर, पर वो डिस्ट्रॉय कर दिया ना, वही तो, पर वो हुआ क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन अंग्रेजों ने किया नहीं, पूरा यहाँ से वहाँ बेचते थे, वहाँ से बना हुआ माल इम्पोर्ट करते थे, और वही चीज महंगी बेचते थे इंडिया के अंदर। हाँ बस तो वो डिस्ट्रॉय किया ब्रिटिश ने, और हमने एक्सपर्ट जो थे वो यहाँ पे रहते काम करते, हाँ आइडिया देते, नई डिजाइन देते, अब सारे एक्सपर्ट तो यूएस से चले गए, वहां से वो डिजाइन बनाते हैं और वो वापस कहाँ जाए, वो यही है सारा उल्टा। देन उसके बाद वापस से लाना चाहिए,
कि जो हमारा सिस्टम था ना, हमने मतलब उसको बिगाड़ के और फिर दुनिया भर की नौटंकी करके रिसर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उसके बाद में आ वही रहे। सर मैंने जितना इंडिया को मैंने जितना समझा है, मुझे लगता है कि भारत को कहीं किसी और से सीखने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास सब चीजों की समस्या का हल है। मिडिल क्लास लोगों की वजह, मिडिल क्लास फैमिली की। हमारा जो खंबा 3 फीट ऊपर दिखता है ना जमीन में, 7 फीट। बिल्कुल बिल्कुल, यही रीजन था। कैसे हट जाएगा वो? और पर अब क्या हो रहा है, ये चीजें सर बहुत ऊपरी वे में तो बहुत अच्छी लगती है, बट किसी इकोनॉमी को कोई भी नहीं चाहता, खासकर यूएसए। यूएसए को बहुत अच्छे से पता है कि इंडियन ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है, और यूएसए के बराक ओबामा ने तो अपनी स्पीच में कहा था अपने लोगों को कि काम कर लो, पढ़ाई कर लो, वरना वो दिन आ जाएगा जब इंडियंस तुम पे राज करेंगे। इंडियन ब्रेन आर मोर इंटेलिजेंट देन यू, ही नोज इट। इसीलिए इंडियन ब्रेन को डेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही है। उसमें एक है कि MNCs बहुत अच्छे पैकेज देती है और उनको कहती है कि आप जाइए घूमने, ड्रग्स लीजिए, क्लब कल्चर जो हमारी मूवीज़ में आज दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं मूवीज से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे कल्चरल सिस्टम को। जब हमारे रूट लेवल को ख़त्म कर देंगे तभी तो हम ग्रो नहीं करेंगे, और ये रीज़न है। अब इंडिया में इस चीज़ को समझने वाले, अब सपोज वैसे मैं हूँ, अगर मैं समझूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ तो वो कहेंगे मैम इज अ ऑर्थोडॉक्स पर्सन, मैम बहुत रूढ़िवादी है, हमें मैम की बात नहीं सुननी। क्यों नहीं सुननी? तुम इससे कर क्या लोगे, रिजल्ट क्या आएगा? तुम उसको अपना रहे हो जो यूरोपियन छोड़ चुके हैं, और यूरोपियन योगा और इंडियन कल्चर को अपना रहे, तो तुम अपने कल्चर को छोड़ करके जाओगे तो ये कोई रिजल्ट नहीं रहेगा। आओगे वापस घूम करके, जैसे आपने कहा हमें घूम करके यही आना है, तो हम अगर इसी पे ग्रो करें तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ में जो हमारी युवा है ना, जिस वजह से हमारी, मैंने बोला कि रिसेशन इतने बुरे तरीके से नहीं मार पाया इंडिया को, क्योंकि रीजन था हमने पैसा बहुत बचाया, और हमारे ब्लड में और राजस्थानी और मारवाड़ियों के ब्लड में तो है कि 10 रुपए कमाया तो 8 रुपए तक बचा लो, क्या फर्क कि दिखावा नहीं करना। और आज के टाइम में क्या सर, अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए भी महीने कमा रहा है ना, वो सबसे पहला फोन लेके आएगा एप्पल का फोन, हाँ 1.40 का लेके आएगा, वो फोन पहले लेके आ जाएगा, सैलरी बाद में आएगी। अगर 1 लाख की सैलरी वाला वो 20,000 का नहीं लेके आएगा, नहीं वही तो चीज़ है ना, वो सैलरी पहले। ये होता है रिच पीपल और पुअर पीपल की मेंटेलिटी में फर्क। कल करेंगे बाकी का।